हेलो, हम लोग आज गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ते हैं। तो गोली दर्पण में पहली परिभाषा है ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं अंग्रेजी में। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। तो ये जो एमएम डैश है, इसका मध्य बिंदु जो होगा उसको ध्रुव कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया और ये उत्तल दर्पण का हो गया। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये जो एमएम डैश है, इसको अगर देखा जाए तो ये इस गोले से काटा गया होगा, इसलिए इस गोले का जो केंद्र होगा वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। तो अब इसमें अवतल गोली दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो ध्रुव के बाईं ओर होता है और उत्तल दर्पण में ध्रुव के दाईं ओर होता है, याद रखना है। आगे हम लोग ध्रुव के बाईं ओर की दूरियों को नेगेटिव लेंगे और दाहिनी ओर की दूरियों को पॉजिटिव लेंगे, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव ली जाती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक ली जाती है, मुख्य अक्ष देगी। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को ध्रुव कहते हैं। द्वारक, तो दर्पण का व्यास, ये जो व्यास बना हुआ है ये डॉट डॉट डॉट, इसको द्वारक कहते हैं, जिससे प्रकाश दर्पण में प्रवेश करता है या दर्पण पर डाला जाता है, जितने व्यास से उसको। तो दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस, अब यहाँ पर देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गई दर्पण की और ये दोनों किरणें दिखाई गई हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं। इसमें अवतल दर्पण में यही दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ये उत्तल दर्पण में। ये दोनों किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर बिंदु F पर मिली हैं और ये दोनों किरणें दर्पण से परावर्तित होकर दूर चली गई हैं, तो इधर फैल रही हैं तो इधर मिलेंगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाया गया है तो ये इस पॉइंट पर मिल गई हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा जैसे F से आ रही हूँ। तो परिभाषा इस तरह होती है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मुख्य फोकस हो गया और इसे कैपिटल F से लिखा जाता है, तो मुख्य फोकस कैपिटल F से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो ध्रुव के बाईं ओर है, तो ये वास्तविक मुख्य फोकस होता है। और यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है उसका मुख्य फोकस ध्रुव के दाहिनी ओर है, पॉलिश की साइड में है, जिस तरफ पॉलिश की गई है उस साइड में, इसलिए इसको आभासी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। और देख लीजिए फोकस दूरी, तो ध्रुव से फोकस तक की, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल F से लिखते हैं, ये स्मॉल F से लिखा गया है। तो P से F की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो P से F की दूरी ये हो गई फोकस दूरी, इसमें ये हो गई। अब इसमें फोकस दूरी इधर है और इसमें फोकस दूरी इधर नापा जाता है, इसमें बाईं तरफ को नापा जाता है, इसमें दाहिनी तरफ को नापा जाता है। फोकस तल, तो दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है उससे फोकस तल कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो गई और इसके लंबवत ये कोई तल बना दिया गया इस तरह से, ऐसे ऐसे काटता हुआ, तो लंबवत तल है इसके, इसको कहते हैं फोकस तल। और ये फोकस से गुजरता है, तो ये अवतल दर्पण का फोकस तल हो गया और ये उत्तल दर्पण का फोकस तल हो गया, ये लिखा भी है इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, दोनों के बीच क्या संबंध होता है उसको पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ते हैं। तो माना
एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र सी है और मुख्य फोकस एफ है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ओ से चलकर दर्पण के बिंदु ए पर टकराती है और ए से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ पर मिलती है या पहुंचती। अब हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाने के लिए अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपतन कोण की डेफिनेशन होती है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। तो यह याद रखना कि अवतल दर्पण के जिस बिंदु पर हमें अभिलंब बनाना है, तो यहाँ पर ओ से चलकर किरण ए पर टकराई तो ए पर अभिलंब बनाना पड़ेगा क्योंकि ए आपतन बिंदु हुआ। तो हमेशा अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जिस बिंदु पर अभिलंब बनाना हो उसको वक्रता केंद्र से डॉट डॉट मिला दिया जाता है। तो ये जो सी से ए तक मिलाएंगे, यही सी ए जो डॉट डॉट लाइन होगी वही अभिलंब कहलाएगी। हमेशा याद रखना कि जिस बिंदु पर अभिलंब बनाना हो उस बिंदु को हम वक्रता केंद्र से हमेशा मिलाएंगे तो अभिलंब बन जाएगा। तो ये अभिलंब बन गया। अब ये कोण आई हो गया और ये कोण आर हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं ये आई हुआ तो ये भी आई हुआ, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये एकांतर कोण आई और आई बराबर हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है कोण ओ ए आई ओ ए ओ ए ओ ए सी ओ ए सी लिखना चाहिए कोण ओ ए सी इज इक्वल कोण ए सी एफ। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, आई हो गए, और कोण सी ए एफ बराबर आर हो गया। आप परावर्तन के नियम से क्या है, आई बराबर आर होता है, याद होगा। अब त्रिभुज सी ए एफ में देखिए, सी ए एफ में ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं उसके सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। लिखा है समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, यानी इसके सामने की भुजा ये ए एफ हो गई और आर के सामने की भुजा सी एफ हो गई, तो ए एफ बराबर सी एफ लिख देंगे। अब उसके बाद ये मान लेंगे कि ये जो दर्पण एम एम डैश है इसका द्वारक छोटा है, ये द्वारक जो है ये छोटा है, यानी ये दर्पण एक छोटे गोले का कम व्यास के गोले का पार्ट है, भाग है। तो जब कम व्यास के गोले का भाग होगा तो ये बिंदु ए पास में होगा, यहाँ पर पी के पास में होगा, तो ये जो ए एफ दूरी होगी वो पी एफ के बराबर हो जाएगी। तो ये लिखा है यदि दर्पण का द्वारक एम एम डैश यहाँ पर ये इसका है, यदि दर्पण का द्वारक एम एम डैश छोटा हो तो बिंदु ए पी के समीप होगा, अतः ए एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। ए एफ बराबर पी एफ, तो यहाँ पर ए एफ की जगह पी एफ लिख देंगे, तो यह आ जाएगा पी एफ बराबर सी एफ। तो जब पी एफ बराबर सी एफ, यानी ये डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब है कि यह बिंदु सी और एफ के बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। तो ये लिख दिया गया एफ सी व एफ के सी व पी के ठीक बीच में है, अतः हम ये कह सकते हैं कि पी एफ बराबर सी एफ बटे दो। सी एफ का अगर हम आधा कर दें तो पी एफ मिल जाएगा, तो पी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ बटे दो। और पी एफ को कहते हैं फोकस दूरी, क्योंकि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, तो एफ कहते हैं, तो एफ बराबर हो जाएगा आर बाई टू। अब उत्तल दर्पण में भी सेम इसी तरह कर लेंगे। ये माना ओ एम एम डैश उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ है, तो यहाँ से हम लोग इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण ओ से चलकर ए पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात ए बी दिशा में चली जाती है। अब फिर से हम बिंदु ए पर अभिलंब बनाएंगे तो ए को सी से मिला देंगे, हमेशा वक्रता केंद्र से मिलाते हैं जिस बिंदु पर अभिलंब बनाना होता है दर्पण का। तो ये बन गया इस तरह से, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, और इसके पीछे ये परावर्तन कोण हो गया, और ये आई है यहाँ पर, तो ये भी आई हो जाएगा क्योंकि ये रेखा ऐसे गई हुई है, ये तो ये दोनों समांतर रेखाओं से गुजर रही है, इसलिए ये कोण बराबर होंगे, यहाँ लिख दिया गया है। अब फिर से वही कर लेंगे कि
ये दोनों कोण आई व आर बराबर हैं, इसलिए इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो आई के सामने की भुजा ये ए एफ हो गई और आर के सामने की भुजा ये सी एफ हो गई, तो ए एफ बराबर सी एफ होगी। अब यदि दर्पण एमएम डैश का द्वारक छोटा हो तो बिंदु ए पी के पास में होगा, तो ए एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, ए एफ बराबर पी एफ, तो पी एफ बराबर सी एफ, वो यहाँ रख देंगे ए एफ की जगह पी एफ, तो पी एफ सी एफ हो गया। फिर से जब दोनों ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो बिंदु पी ठीक पी और सी के बीच में होगा, तो पी एफ बराबर हो जाएगा पी सी बटे दो, तो एफ बराबर आर बाई टू। तो दोनों ही दर्पणों में, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में जो फोकस दूरी होती दर्पण की वह वक्रता त्रिज्या के हाफ होती है, आधी होती है, याद रखना है। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती। अब द्वितीय विधि में हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हम दर्पण में ए से मुख्य अक्ष पर एक अविलंब ए एन डाल देंगे, ये अविलंब 90 डिग्री पर यहाँ गिरती आ गई, ये ए एन डाल देंगे। ये कोण आई है और ये कोण आर है, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो आई और आई ये भी कहा जाएगा, तो आई और आई मिलकर टू आई, तो ये टू आई हुआ, तो ये टू आई हो गया। अब हम लोग त्रिभुज सी ए एन में टेन आई बराबर लिख लेंगे ए एन बटे सी एन, और ए एफ एन में टेन टू आई बराबर लिख लेंगे ए एन बटे एफ एन। अब अगर दर्पण का व्यास कम है, दर्पण का द्वारक छोटा है, अर्थात दर्पण छोटे गोले का भाग है, तो आई व आर दोनों छोटे होते हैं, तो जब आई व आर दोनों छोटे होते हैं तो हम टेन आई की जगह आई लिख लेते हैं और टेन टू आई की जगह टू आई लिख देते हैं, यानी टेन हट जाता है छोटे कोणों के लिए। अब हम लोग इस आई का मान यहाँ रख देते हैं उठा के, या यहां पर आई का मान रख लेते हैं यहाँ के यहां से, तो आ जाएगा ए एन बटे एफ एन बराबर टू इंटू ए एन बटे सी एन, ए एन बटे सी एन, ए एन एन कट जाएगा, सी एन बराबर टू एफ एन आ जाएगा। अब वही फिर लिख देंगे कि आई व आर छोटे हैं, अतः बिंदु ए पी के समीप होगा, तो जो एफ ए एफ सॉरी पॉइंट एन जो है वो पी पर हो जाएगा। अगर ए बिंदु पी के समीप है तो यहां से जब अभिलंब गिराएंगे तो वो पी पर गिरेगा, तो जहां पर एफ एन लिखा है वहां पर पी एफ हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सी एन बराबर सी पी, और सी एन जो था वो एन यहां पी पर पहुंच गया तो सी पी हो जाएगा, तो सी पी हो गया, और एफ एन बराबर एफ पी हो गया, तो सी एफ बराबर यहां पर सी एन की जगह सी एफ, यहां एफ एन की जगह पी एफ, तो सी एन बराबर टू एफ पी या पी एफ, तो यहां पर इसको सीपी को कैपिटल आर कहते हैं, तो कैपिटल आर बराबर, और पीएफ को बोलते हैं स्मॉल एफ फोकस दूरी, तो आर बराबर टू एफ या एफ बराबर आर बाई टू। तो ये द्वितीय विधि है। इस तरह से हम लोग दर्पण के, गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध समझ लिए।